आपका मेजबान तारक शेर। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सरहदी जिला पुंछ तहसील मंडी के इलाका पलेरा में, जहां पर आज शाम को एक दुकान में आग लगने की वारदात सामने आई है। हम आपको बताते चले कि आज शाम को यहां पर दुकानों में आग लगने की वारदात सामने आई, जिसमें दुकानों में लाखों का नुकसान हो चुका है। हम इस टाइम जो तस्वीरें आपको तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें पलेरा की है, जहां पर आग लगने की वारदात सामने आई थी, जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। वहीं जब हमने मुकामी लोगों से भी बात की, दुकानदार से भी बात की, उसका कहना कि ना तो इसमें लाइट का कोई कनेक्शन था, ना ही और कुछ था। आग लगी तो लगी कैसे, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आग की वारदात किस तरीके से सामने आई, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। वही अगर देखा जाए, इस टाइम मंडी पुलिस स्टेशन से यहाँ पर पुलिस के अहलकार भी आए हैं, साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, जो कि इस टाइम मुकामी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग इतनी भयानक लग गई थी जिससे जो कि रोकना बहुत ही मुश्किल था, जिससे काफ़ी सारे नुकसान हो चुका है। नाजरीन, आप इंतजामियों को चाहिए कि वो इनकी मदद करें ताकि दोबारा से अपनी दुकान को स्टैंड कर दें और अपने परिवार को पाले। खत्म है सब सामान पे। यो माद क्यों कर तक खले हो जे साडे पास फाल ये अम्मा जी भी है कोई पता नहीं है, कुछ नहीं बचा। सब सामान नहीं बचा ना, बगैर जो ऊपर मजा रहे रखे हो ये आगे मार जाए। जी, यहाँ पे आज जो ये आग लगी, तो हम थोड़े दूर से आए, यहाँ चल के करीब 1 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, तो देखा था यहाँ पे आज़ार भाई की, हमारे रहने वाले यहीं के हैं, उनकी दुकान पे आग लग गई। तो मैं ये अपना सीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ इस गरीब आदमी की हेल्प करें, क्योंकि इसका नुकसान कम से कम 8.5-9 लाख का नुकसान जो है वो हो चुका है, वो आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। मैं सीओ साहब से खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद आए मौके पे आके देखें, और कंपनी कमांडर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मौके पे आके देखें इस गरीब आदमी का कितना नुकसान हुआ। तो आर्मी हर जगह हेल्प करती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर यहाँ पलेरा के अंदर भी इस गरीब आदमी की हेल्प हो सके तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सीओ साहब भी बहुत अनास्ट है यहाँ पे, तो कंपनी कमांडर साहब भी बहुत अनास्ट अच्छे ऑफिसर है, तो यहाँ हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि इस बेचारा ने घर से पैसा लगा के अब मैं आर्मी के साथ साथ ज़िला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे गवर्नर साहब से, एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां ध्यान दिया जाए हमारी तरफ, क्योंकि इसमें ना कोई बिजली फिटिंग थी ना कुछ था, ऐसे ही दुकान थी ये बिजली के बगैर। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ कोई खम्मा नहीं लगा हुआ है, बिजली पोल वगैरह कुछ नहीं है, तार शार कुछ नहीं लगी हुई है, ऐसे आग लगी, अचानक नमूदार हुई आग 7:30 के बाद।
तो यहाँ से इन्होंने फोन किया फायर सर्विस वालों को भी, और फायर सर्विस आते आते, क्योंकि रोड भी बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की, आते आते 7-8 किलोमीटर मंडी दूर है हमारी फायर सर्विस। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आरजी साहब से कि हमें फायर सर्विस की गाड़ी लोरन के अंदर दी जाए, ताकि हमारा गरीब लोगों का जो है हर टाइम जो है हमारा देखा जाए, हम गरीब लोगों को, क्योंकि यहाँ घास लोग रखते हैं, रोड के बीच घास भी होते हैं, मकान भी हैं, जरूर तो जल जाते हैं मकान। में रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से कि यहाँ पे हमें लोरन ब्लॉक के अंदर एक गाड़ी दी जाए फायर सर्विस की, तो जो कि हमें हर वक्त काम आ सकती है। तो इसका नुकसान तो आप कैमरा घुमा के देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है, 8-8.5 लाख 9 लाख का जो है नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये दुकान थी पुराने टाइप की, या दुकान को छोड़ के जो अंदर करियाना था ना, A to Z करियाना, टेलर मास्टर के कपड़े और मशीनें वगैरह देख सकते हैं, मशीन यहीं पड़ी हुई है। मैंने देखा अखरोट से लेके मखीर शहद तक हर चीज यहाँ पे मौजूद अवेलेबल मिलती थी, हर आदमी यहाँ से लेता था, तो नुकसान हो चुका है। तो मैं हेल्प के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को कहता हूँ कि खुद मौके पे आए, देखें और इसकी हेल्प करें, गरीब आदमी है, बहुत बहुत ही ज्यादा गरीब है। शुक्रिया, सलाम।